ये देखिए आंवला का पेड़, और साहेब आंवला तोड़ते हुए। ये हमारे गार्डन में आंवला का पेड़ है, देखिए आंवला गिरा। आंवला बहुत ही अच्छा एक फल है, मैं कह सकते हैं कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। अगर आप डेली जीवन में अगर आंवला अगर यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को पोषण देता है और हेयर से जुड़ी हुई बीमारी ख़त्म करता है। और ये आंवला क्या होता है, विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसी में पाया जाता है। तो अगर आप डेली अगर आंवला ले रहे हो तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो मतलब बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ा भी मतलब मौसम चेंज होता है या जो भी है इफेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको दूर करेगा, बहुत ही अच्छा आंवला होता है। और ये देखिए हमारा मीकू धूप सेकते हुए विटामिन डी लेते हुए। मेमल्स को चाहिए कि मतलब कोई भी मेम्बर्स हो, चाहे हम लोग मेम्बर्स हो चाहे ये है, तो उनको ऐसे मतलब सनलाइट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहिए। स्किन की टेनिंग होती है इससे, अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा तो स्किन की टेनिंग नहीं होगी। जब स्किन की टेनिंग नहीं होगी तो उनका जो मेटाबॉलिक रेट्स है वो क्या होगा, अप डाउन हो जाएगा। ये पेड़ पत्ते इसके झड़ रहे हैं, आंवला इसमें से तोड़ के हम चटनी बनाते हैं। और ये हरसिंगार का पेड़ देखिए फूल, हफ्ते में एक बार इनसे कहना पड़ता है कि साफ़ कर दीजिए, तो ये साफ़ करते हैं। देखिए गार्डन तो झड़ रहे हैं, सब झड़ आ रहा है। साफ हो गया, आइए एक झलक दिखला दीजिए। अब भी हो गया, हाँ कैलोरी बर्न कर रहे हैं, करते नहीं हैं लेकिन कह के करवाना पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है। काम सफाई से रामू काका, काम सफाई से। हाँ गार्डन की हाँ करवाना पड़ता है, कौन करता है, करवाना पड़ता है। ये तो एक मतलब सोच का विषय है मेरे ख्याल से, नहीं कोई सोच का विषय नहीं।